कांटों पर चलने वाला व्यक्ति अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि कांटे जो होते हैं कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस की इस छोटी सी फैमिली में मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा भाग 43 स्पीडी रेलवे जीके की बुक के बारे में। बहुत जल्दी ये बुक खत्म होने वाली है। आई थिंक ये साल कंप्लीट होने से पहले आपके ये बुक 25 तक या फिर 26 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। नोटिफिकेशंस कब आना है, क्या आना है, अब इसका कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपसे वादा करा था कि नोटिफिकेशंस आने तक मैं आपके बुक ये कंप्लीट करवा दूंगा, तो मैं तो अपनी बातों पे खरा उतरा। लेकिन बात आती है आपके ऊपर थोड़ी सी, क्योंकि आप जो है वीडियो को वॉच बहुत कम कर रहे हैं और शेयर तो बिल्कुल ना के बराबर कर रहे हैं। अगर हो सके तो उस वीडियो को शेयर करिए अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, और उस बच्चे तक पहुँचाइए जिसको इस बुक की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले आज का अपना ये वीडियो। पेज नंबर 151 से स्टार्टिंग करेंगे हम लोग। इसमें पहला जो पॉइंट है वो है कि प्राचीन भूगोल का जनक कौन था, उसका नाम क्या था। उसका नाम था हेकेटियास। उसके बाद इस पेज में इम्पॉर्टेंट है कि सबसे लंबा रेल मार्ग क्या है। तो ये तो आपको पता ही होगा अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। इसी बुक के पहले या दूसरे पेज में ये सब चीज़ें दी गई हैं, तो अगेन हमारा रिवीजन हो रहा है इसी वीडियो के माध्यम से। तो ये है आपका सबसे लंबा रेल मार्ग होगा आपका ट्रांस साइबेरियन। नीलगिरी पर्वत एक एग्जाम्पल है किसका, तो ये है आपका ब्रसोत पर्वत का। अरावली पर्वत एक एग्जाम्पल है आपका अवशिष्ट पर्वत का। और गल्फ स्ट्रीम वे लैब्राडोर जलधाराएं कैसी होती हैं, गर्म और ठंडी होती हैं, और ये धाराएं बहती हैं अटलांटिक महासागर में। तो पूछता है कभी कभी आपसे कि गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर किस महासागर की धाराएं हैं। आपके सामने चार ऑप्शन देगा, तो उसमें आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका अटलांटिक महासागर। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की कि दो देशांतर, सॉरी हाँ, यह दो ज्वार के बीच में समानांतर कितना होता है, 12 घंटे 26 मिनट का। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है क्या, कौन सा ज्वालामुखी है जो प्रकाश देता है, तो वो है आपका स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। अब देखिए बात करते हैं अक्षांश और देशांतर, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। अगर बात करी जाए आपसे देशांतर की, तो ये होती है आपकी 111.3 किलोमीटर। देखिए इसकी जो एग्जैक्ट फिगर होती है वो होती है 111.32 किलोमीटर। और अगर आपसे बात करी जाए कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो ये है आपकी 181। जो लाइनिंग आप देखते हैं वो होती है 181। और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मकर रेखा पर क्या है, गोलार्ध की पोजीशंस, आर्कटिक रेखा पर क्या है, अंटार्कटिका रेखा पर क्या पोजिशंस है, ये सभी आप देखेंगे अपनी बुक में। जो भी आप जीएस की बुक फॉलो कर रहे होंगे, बेस जिससे आपने अपना स्ट्रॉन्ग करा होगा या फिर कोई क्लास नोट्स होगा, वहाँ पे इस चीज़ के बारे में आपको लिखवाया गया होगा आई थिंक। अगर नहीं लिखवाया है, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है, तो आप लूसेंट नीली वाली बुक की स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसके साथ साथ आपसे एक क्वेश्चन, कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो वो लगता है 4 मिनट का, और 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है। तो बढ़ता हूँ मैं आगे अगले पॉइंट की ओर कि अंतर्राष्ट्रीय रेखा क्या है, तो वो है आपके 180 डिग्री देशांतर रेखा, और इसको बनाया गया था 1884 में। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है कौन सा दर्रा, कौन सा पास, उसका नाम है आपका एलिफेंटा। और भूमध्य सागर की कुंजी है क्या, जिब्राल्टर जल संधि। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है आपका यांग टिसी क्यांग। सर्वाधिक भूकंप कहाँ पे आते हैं, तो ये आते हैं आपके प्रशांत महासागर में। देखिए प्रशांत महासागर से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट बात हमने इन्हीं सब वीडियो में कहीं पर पढ़ी थी, आपको शायद याद होगा कि विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है, तो वो है आपका पैसिफिक ओशियन, मतलब प्रशांत महासागर। और इसकी आकृति किस प्रकार की है, तो इसकी आकृति बताई थी मैंने आपको पिछले किसी एक वीडियो में, जिसकी आकृति है त्रिभुजाकार। और एग्जाम में इसी के साथ आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि किस महासागर की आकृति जो है वो एस आकार की है, एस मतलब शिमला, तो एस आकार की शेप कौन सा महासागर है। आपके सामने चार ऑप्शन देगा, जैसे देगा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। और इसका रिप्लाई आप मुझे करेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके, देखते हैं कि आपको कितना याद रहा था और कितना आप भूल। तो चलिए बढ़ता हूँ मैं आगे अगले अपने इस वीडियो में। देखिए सर्वाधिक भूकंप कहाँ पे आते हैं, हमने देख लिया कि प्रशांत महासागर में आते हैं। और ओजोन परत का नुकसान पहुंचाने वाली जो प्रमुख गैस होती है वो कौन सी होती है, वो होती है क्लोरो फ्लोरोकार्बन। बायोटेक पार्क अवस्थित है कहाँ पर, तो यह है आपका लखनऊ में।
देखिए, चंदन के वृक्ष मिलते हैं कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। और ज्वार भाटा उत्पन्न होने का रीजन क्या होता है? तो वो होता है चंद्रमा वे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। संसार में दिन रात बराबर होते हैं क्रमशः 21 मार्च और 23 सितंबर को। उसके बाद हम बात करते हैं विश्व की गहरी खाई मरियाना ट्रेंच स्थित है प्रशांत महासागर में, और माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो यह है आपकी रॉकीज, उत्तरी अमेरिका की। विश्व में पहला स्थापित बिजली घर कौन सा है? तो वो है आपका यूएसए में। और सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात है आपका कर्नाटक में। और चूना पत्थर, डोलामाइट, बलुआ पत्थर आदि एग्जाम्पल हैं अवसादी चट्टान के। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश चैनल अलग करता है फ्रांस को यूके से, और महासागरीय जल का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 33 डिग्री सेल्सियस तक। नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो है आपका विक्टोरिया झील। नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है कहाँ पर, किस साइड में? तो वो बहती है पश्चिम की ओर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंध महासागर कहते हैं अटलांटिक महासागर को। और काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों से। काली मिट्टी पाई जाती है मैक्सिमम महाराष्ट्र में, और उसमें खेती होती है आपकी कपास की। ओजोन परत अवस्थित है कहाँ पर? तो ये है आपकी समताप मंडल में। और इसी के साथ आपको एक चीज याद रखनी है कि ओजोन परत की मोटाई मापने में डाब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, और साथ में यह परत 50 किलोमीटर तक फैली हुई है, मतलब विस्तृत है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि यहाँ पर जो वायु की जो दिशा होती है वो किस प्रकार की होती है, तो यहाँ पे होती है क्षैतिज दिशा। और इस मंडल में जो आपके एरोप्लेन वगैरह होते हैं वो इसी मंडल में चलते हैं। देखिए, समताप मंडल की बाह्य सीमा को हम कहते हैं समताप सीमा कहते हैं, और काफी सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, वो सभी आप पढ़ेंगे लुसेंट जी के सामान्य ज्ञान जो बुक आती है नीली वाली, उसमें से। अगर बुक आपके पास में नहीं है और आप कंप्यूटर अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्लीज इस बुक को परचेज कर लो मार्केट से जाकर के। अगला पॉइंट आपके सामने कि विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी कौन सी है? तो वो है हवांगो नदी। सामान्यतः डेल्टा बनता है, उसकी शेप किस टाइप की होती है? तो वो होती है त्रिभुज आकार की। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी कौन सी है? उसका नाम क्या? उसका नाम है आपका गुरु शिखर। और नर्मदा नदी का उद्गम होता है कहाँ पर? अमरकंटक में। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख स्थित है आपका हुगली नदी के मुहाने पर, और सबसे पहले मानसून पहुंचती है केरल में। इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है आपका केरल। और बात करी जाए एजुकेशन की, तो एजुकेशन मैक्सिमम कौन सा राज्य में होती है? तो वो होती है आपकी केरल में। उसके बाद हम बात करते हैं रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? तो वो है बाघ के लिए। भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई। और भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कितनी है? तो यह है आपका 12 नॉटिकल मील। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ में लगती है हमारी। और अरुणाचल प्रदेश पहले जाना जाता था, मतलब इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है आपका नेफा। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो यह है आपकी जलोढ़ मिट्टी। देखिए, आपके एग्जाम में मिट्टी से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो इससे संबंधित जो भी जानकारी है आपको एक बार जरूर याद करनी है। जैसे कि हमारी जो मिट्टियाँ होती हैं भारत की, इनको कितने भाग में डिवाइड करा गया है? तो इनके टोटल भाग हैं आपके 8। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है और उसके साथ में दोमट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? और ये जो है आपकी जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी खेती होती है, जैसे बात करूँ मैं उसमें गेहूँ, धान, मक्का, तिलहन, दलहन आदि बहुत सारी फसलें इसमें उगाई जाती हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथ में। और बात करते हैं काली मिट्टी, काली मिट्टी का अन्य नाम है आपका रेगुर मिट्टी। कपास, महाराष्ट्र, ये सब मैं बात करूंगा, आपने पिछले वीडियो में कर चुका हूँ शायद आपको याद होगा। तो काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, उसके बाद में आपका एक डेजर्ट सॉइल भी होता है आपका, फिर बाद में पिट या जैविक मिट्टी भी कहते हैं। तो इन सब मिट्टी का काम क्या है, कौन सी खेती इसमें होती है, इसमें कौन से पोटास वगैरह पाए जाते हैं, ये सभी आपको टिप्स पे याद रखना है। अगला पॉइंट हमारे सामने की अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है किसमें? लोनी एवं व्यास नदियों के द्वारा। भारत में सबसे पहला तेल परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ था डिगबोई 1901 में। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1869 में, और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 में। पनामा नहर का निर्माण हुआ था 1914 में। और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ होता है आपका मध्य जून से सितंबर तक। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 12 मार्च को, और 12 सॉरी 22 मार्च को, और 22 मार्च के बाद अगला आता है आपका अप्रैल, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। उसके बाद हम बात करते हैं 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है आपकी विषुवत रेखा पर, और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है आपका कोटोपैक्सी।
अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है कि पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल है आपका मैग्मा और सुंडा गर्त स्थित है आपका हिंद महासागर में। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अकरीय गैस कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी आर्गन। और शोभ मंडल में धरातल की ऊंचाई कितनी होती है? 14 किलोमीटर। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? 35%। और तुलबुल परियोजना संबंधित है झेलम नदी से। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। और प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। उसके बाद हम बात करते हैं सुंडा गर्त अवस्थित है हिंद महासागर में और विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि होती है 12 घंटे की। रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं आयरमंडल से और यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश है आपका कनाडा। वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? हाइड्रोजन एवं हीलियम की। पूर्वी तट कहलाता है आपका कोरोमंडल और कोयला पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। एस्चुरी का निर्माण करती है कौन? नर्मदा एवं ताप्ती नदी। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की सर्वाधिक संभावना होती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। केसर उत्पादित करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा कौन सा आर्टिकल देता है? तो वो है आपका 370। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका पश्चिमी घाट। और ब्रिन टाउन राजधानी है बारबाडोस देश की। गोल्डन गेट ब्रिज स्थित है सैन फ्रांसिस्को मतलब अमेरिका में। और ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस क्रिया के द्वारा होता है? तो वो होता है सूर्य का परिक्रमण। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब होता है क्या? सूर्य ग्रहण। पेज नंबर 153। हिमालय की तीन समानांतर श्रेणियां कौन सी है? हिमाद्री हिमाचल शिवालिक। तो ये तीनों हैं समानांतर श्रेणी। देखिए हिमालय पर्वत वगैरह इनसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे आपसे पूछता है कि पृथ्वी के कितने परसेंट भाग पर पर्वत का विस्तार है तो ये है आपका 27%। और इसी के साथ में आपको याद रखना है कंचनजंगा क्या है, धौलागिरी, नंगा पर्वत और आपका नंदा देवी, K2, माउंट एवरेस्ट, इनकी ये कौन से महाद्वीप में स्थित है ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। और कौन से देश में ये स्थित है, इनकी ऊंचाई क्या है, खासतौर पर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो है आपकी 8848 मीटर। तो आपको याद रखना है ये जो श्रेणी आती है ये आती है हिमालय श्रेणी में और ये नेपाल से तिब्बत तक फैला हुआ है जो आप देखते हैं इंडिया के मैप में टॉप साइड में, तो वो है आपका कंप्लीट माउंट एवरेस्ट पर्वत। और ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। और बात करी जाए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो वो है आपका K2, ठीक है, एशिया महाद्वीप में। और ये कौन सा श्रेणी में आता है? ये आता है कोरोमंडल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। बात करें ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से थोड़ी सी कम है, 8611। ये सब आप साइड में बुक में कहीं पे लिख लीजिए, मुझको जितना याद था उतना मैंने आपको बता दिया। और भी बहुत कुछ याद होगा मुझे कहीं ना कहीं, लेकिन मैं वीडियो को पॉज करके याद करने नहीं बैठ सकता और आपको नहीं लिखवा सकता, तो इसलिए आपको अपनी देखनी है बुक लुसेंट नीली वाली। जी हाँ, अब मैं बढ़ता हूँ अगले पॉइंट की ओर कि पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को और सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पाद है आपका इटली का। विश्व का सबसे गर्म स्थल अल अजिजियाहा किस देश में स्थित है? तो ये है आपका लीबिया में। दक्षिण पठार की ढाल है आपकी पूर्व की ओर, पठार, जी हाँ पठार। देखिए पर्वतों को उनकी ऊंचाई के आधार पर नहीं बल्कि उनके आकार तथा धरातलीय उच्चावच जो उनकी ऊंचाई होती है उसके आधार पर मापा जाता है, उसको अलग करा जाता है, ठीक है, ये बात शायद आपको पता होगी। देखिए क्या होता है, पठार भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपने सुना है नाम पामीर जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, यह सागर तल से लगभग 5000 मीटर ऊंचा है। इसे विश्व की छत भी कहते हैं। एग्जाम में आपसे पूछता है कि विश्व की छत क्या है तो वह है आपका पामीर का पठार। बढ़ता हूं अगले पॉइंट की ओर, एंजिल नामक विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में स्थित है? तो वह है आपका वेनेजुएला में। और संयुक्त राज्य अमेरिका का नगर लॉस एंजिल किस प्रांत में स्थित है? तो यह है आपका कैलिफोर्निया में। संगमरमर एग्जाम्पल है आपका कायंत्रित चट्टान का। और उसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि तिब्बत का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? तो वह है आपका अंतर पर्वतीय पठार का। डॉगर बैंक क्या है? उत्तर पश्चिम यूरोप में। आइसोनिफ से क्या दर्शाया जाता है? बर्फ गिरने के समान क्षेत्र। चूने पत्थर से निर्मित मैदान है आपका कार्स्ट मैदान। और इंसेल बर्ग किससे निर्मित आकृति है? तो यह आपका पवन के अपरदन से। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। और किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश से। कौन सा प्रदेश खट्टे वे रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश।
बाकू स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम कुएं के लिए। और मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? मालाबार पहाड़ियों में। कहाँ पर है ये है आपका केरल में। सर्वाधिक एस्बेस्टस पाया जाता है कनाडा में। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो वो है आपका तिब्बत में मानसरोवर झील। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है कौन सा दर्रा? तो वो है आपका जोजीला दर्रा। ग्रस्त 40 प्रचंड 50 कहा जाता है किसको? दक्षिण गोलार्ध के पछुआ पवन को। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त जो धाराएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? उसे कहा जाता है आपका मेघना। तो एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि मेघना जलधारा किन किन नदियों से मिलकर बनी है? तो वो है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संयोग से धारा जो मिलकर बनी है वो उसका नाम है आपका मेघना। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है आपका सेनोजोइक युग में। ऋतु प्रवास क्या करता है? तो ये है आपका भूटिया लोग। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि पूर्वी तिमोर की राजधानी है आपकी डेली और अंकोरवाट स्थित है कंबोडिया में। करीबा बांध स्थित है जम्बेज नदी पर और झीलों का देश कहलाता है आपका फिनलैंड। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है जॉर्डन नदी घाटी और 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है अटलांटिक महासागर में। उसके बाद हम बात करते हैं सेशेल्स स्थित है आपका हिंद महासागर में और सबसे लवणीय सागर है मृत सागर डेड सी। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा कहलाती है आपके नॉर्वेस्टर और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है आपका मेडागास्कर। ऑस्वन बांध बना है आपका नील नदी पर। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर। भूकंपीय तरंगीय मापी यंत्र है आपका सिस्मोग्राफ। फ्लोरिडा गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की और सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। उसके बाद हम बात करते हैं पेज नंबर 154। क्वालिटी थोड़ी क्या बहुत खराब है लेकिन फिर भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। देखिए भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान एवं प्रथम बाघ संरक्षित स्थल आपका राष्ट्रीय कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड में और भारतीय वन्य प्राणी संस्थान आपका देहरादून उत्तराखंड में। देश में नगरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? तो वह आपके तमिलनाडु में 832। भारत का सबसे छोटा जिला माहे और पुंडुचेरी 9 वर्ग किलोमीटर मात्र। देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। कहाँ पर है? तो यह है आपके राजस्थान में। विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती है कलकत्ता में और पृथ्वी का केंद्रीय भाग है नीफेकोर। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। और विश्व का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या की दृष्टि से यह है आपका मैक्सिको सिटी। सबसे बड़ा द्वीप समूह है आपका इंडोनेशिया। और उसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि बोडो जनजाति पाई जाती है आपकी गारो पहाड़ियों में। सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान के 12 जिले में और दादरा और नागर हवेली की राजधानी है आपके सिलबासा। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है राजस्थान में। और बिहार स्थित सबसे लंबी नदी पुल महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कुल कितनी है? तो यह आपकी 5,575 किलोमीटर। गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया में। और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी आपकी अमेजन। सू नहर जोड़ती है किसको? सुपीरियर और हारून झील को। और समुद्र एवं वायुयान की दूरियां मापी जाती हैं समुद्री मील मतलब नॉटिकल से। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भांगड़ा बांध। और सबसे लंबा बांध? ऊंचा और लंबा दोनों ही आपको याद रखना है और दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ऊंचा बात करेगा तो भांगड़ा, अगर बात करेगा लंबा तो वो होगा आपका हीराकुंड बांध। और कौन सी नदी पर बनाया गया है? देखिए जो भांगड़ा बांध है वो बना है आपका सतलुज नदी पंजाब में है और बात करते हैं हीराकुंड महानदी उड़ीसा में है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे सामने है कि सारगेसी सागर स्थित है कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो है आपके 78% कौन सी? नाइट्रोजन। हिमालय रॉकी आल्पस एवं एडिस पर्वत एग्जाम्पल है आपका वलित पर्वत का। देखिए कौन कौन सी गैस कितनी परसेंट है हमारे वायुमंडल में है वो आपको याद रखना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप सबको वो चीज़ याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ रहे हैं पिछला भूल रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत तगड़े रिस्की जोन में हैं। तो पिछला भी याद रखिए, आगे भी बढ़िए, पिछला रिवीजन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सिलेक्शन पक्का होगा। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है 21 मार्च की। और सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वह है आपका सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र के मध्य। पेज नंबर 155 है और इसमें हम बात करते हैं आज भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित। इसमें क्वेश्चंस होंगे सारे A to Z। तो चलिए देखते हैं। संविधान सभा का गठन
किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा, और ये मिशन कब आया था, 1946 में। इसने सिफारिश लगाई थी कि भारत का संविधान बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था उसमें कुल कितना समय लगा। बहुत 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 इजी क्वेश्चन है सच में ये, और कई बार ये चीज़ डिस्कस मैं कर चुका हूँ पिछले वीडियो में, और मैं क्या डिस्कस कर चुका हूँ ये चीज़ आपको पहले से पता भी होगी, मुझे इतना पता है अगर आप एक्टिव स्टूडेंट हैं तो। अगर आप केवल वीडियो वॉच करते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं और ज़्यादा गौर से वीडियो को वॉच नहीं कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ धोखा दे रहे हैं जियो को, धोखा दे रहे हैं सबसे पहले अपने आप को, उसके बाद जियो को, उसके बाद चैनल को, जिसका भी वीडियो आप वॉच कर रहे हैं। फोर्थ में आते हैं शायद आपके फैमिली वाले, शायद क्या पक्का, तो बढ़ता हूँ मैं आगे कि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे 299। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो वह आपके एकात्मक एवं संघात्मक, और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को, और उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थायी, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। और उसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष मतलब परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए थे 11 दिसंबर 1946 को। देखिए 9 को जो हुआ था उसमें बैठे थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, और उसके बाद में ये चेंज हो गए थे, 11 दिसंबर अगली बैठक हुई थी उसमें हुए थे परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी, और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके भीमराव अंबेडकर। प्रथम कानून मंत्री भी कौन थे, भीमराव अंबेडकर। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया था कब, कौन से संशोधन के द्वारा, तो ये था आपका 42वां संशोधन, और कब हुआ था, 1976 में। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। और उसके बाद हम बात करते हैं वर्तमान में अनुसूचियां हैं कितनी, 12। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, तो वो है आपकी 22। और वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो ये है आपके 29, 28 पहले थे अब हो गए 29, नया कौन सा बना है, तेलंगाना। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था आपका 14, और संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 के अध्याय 4 में है। संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है, तो वो है आपका निर्वाचन तथा आपात उपबंध से संबंधित। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। देखिए जैसे होता है कि कोई राज्य डिमांड करता है अलग, एक अलग राज्य की, जैसे कि आपको पता होगा कि यूपी उत्तराखंड पहले एक ही थे, उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र था, तो वहां के लोगों ने ये डिमांड रखी कि हमारा पर्वतीय क्षेत्र हमको बिल्कुल अलग दिया जाए, तो यूपी से उत्तराखंड बिल्कुल अलग हो गया, मतलब यूपी के 14 जिलों को काट करके एक उत्तराखंड का निर्माण हुआ। अभी आपने देखा था तेलंगाना का इशू चला था, तो ये सब जो होता है ये अनुच्छेद 2 से संबंधित सबके सब उपबंध होते हैं कि कैसे निर्माण करा जाए, एरिया कितना दिया जाए, वहाँ पे कौन कौन सी जो प्रशासनिक सेवाएं होती हैं वो उसको प्रदान की जाए, वगैरह वगैरह। बात करते हैं भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। गठन हुआ था इसका 1953 में। गोवा पूर्ण राज्य बना था आपका 56वां संशोधन के द्वारा 1987 में। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा प्राप्त हुआ था 1991 में, 69वां संशोधन। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत हमने कहाँ से लिए हैं, तो ये लिए हैं हमने आयरलैंड के संविधान से, और एमरजेंसी कहाँ से लिए, आपातकालीन, ये लिया हमने जर्मनी से, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, लेकिन एमरजेंसी जर्मनी से, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, वर्तमान में संघ राज्य समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या कितनी है, 62, 98, 52। देखिए एग्जाम में कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि वन, कानून, शिक्षा, रेल, डाक, रक्षा विषय कौन सी सूची का है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, या फिर इस तरह का ऑप्शन आपको देगा, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। वन एवं पर्यावरण विषय है आपका समवर्ती सूची का, कानून व्यवस्था है राज्य सूची का, शिक्षा, समाचार पत्र, ये जो विषय है, टॉपिक है, ये है समवर्ती सूची का, रेल, डाक, रक्षा, ये सब विषय है आपका संघ सूची का, पंचायती राज राज्य सूची का, 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे, पंचायती राज से। नेक्स्ट पॉइंट है, पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी, और ये कितने स्तर की होती है, कितने स्टेज की होती है, पहला क्वेश्चन ये, तो ये है आपका त्रिस्तरीय है, और ये बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर बनाई गई थी। उसके बाद बात करते हैं भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि क्या होती है, क्रमशः 10 तथा 7 वर्ष।
मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये आपका भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7 और वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार में रखा गया, अनुच्छेद 300 क में आता है, कर दिया गया है। ये संशोधन था आपका 44वां, और कब हुआ था? 1978 में। मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है 42वां, 42वां संशोधन, और 1976 के द्वारा। प्रेस का फ्रीडम जो है आपका, तो वो है आपका आर्टिकल 19 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। तो ये संशोधन नंबर कौन सा था? ये था आपका 86, और कब हुआ था पारित? ये हुआ था 2002 में। देखिए, जो संसद होती है, संसद किससे मिलकर बनती है? संसद के केवल 3 अंग होते हैं, एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा। इन तीनों को मिलाने से बनती है आपकी संसद का निर्माण होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 52। और राष्ट्रपति त्याग पत्र सौंपता है किसको? तो वो सौंपता है आपका उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है आपका 5 वर्ष। तो फ्रेंड, ये बुक कंप्लीट अब होने वाली है बहुत जल्द। इसके साथ साथ हमारी बुक चल रही है एक बायोलॉजी की, रेलवे की, आपको पता होगा, सामान्य विज्ञान की, वो भी बुक चल रही है। और साथ में एक आता है आपका वॉल्यूम 2 है वो शायद, हाँ वॉल्यूम 2 है, जिसमें आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वो सभी वीडियो आप वॉच करिए। अदरवाइज अगर आपका वीडियो देखने का मन नहीं है, आप खुद समझदार हैं, आपको पता है कि आपको कितना पढ़ना है, आपकी तैयारी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो चुका है अपने मार्क करने का बुक को, तो आप वो तीनों बुक परचेज कर लीजिएगा मार्केट से कहीं से, और उन तीनों बुक को एग्जाम में जाने से पहले जरूर पढ़िएगा। और जो वॉल्यूम 2 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें आप दिए गए हैं सेट वाइज, एक सेट में कम से कम आपके 40 क्वेश्चन समथिंग होंगे, डेली उसको अटेम्प्ट करिए। और साथ में अपना एक मॉक टेस्ट अभी से लगाइए, अगर आपकी तैयारी है तो आपको मॉक टेस्ट आने में दिक्कत क्या है, लगाइए मॉक टेस्ट, देखिए कि आपकी तैयारी कितनी स्ट्रांग है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर आपका स्कोर अच्छा आता है तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? बिल्डअप होगा, और वो होना भी चाहिए। और ये सब होता है आपकी तैयारी से। और अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ऐसा आकार की आकृति कौन से महासागर की है? छोड़ूंगा नहीं बच्चों आपको, आपके सोचे मैं भूल जाऊंगा, आप भी भूल जाओगे, वीडियो को क्लोज कर दोगे। तो इसका आंसर आप मुझे भेजेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। प्लीज हिट द लाइक बटन, लाइक बटन को प्लीज आप प्रेस करिए, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। कमेंट में अपना आंसर मुझको भेजिए। उम्मीद करता हूँ कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स पक्का आएंगे राइट आंसर के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक